आज के दिन मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। यह तारीख, यह तिथि पिछले एक दशक से लगातार श्री अमिताभ बच्चन की स्मृति में है और इस दिन मुझे मेरे पिताजी की श्रद्धा के लिए संदेश भेजते हैं। जब दो व्यक्तियों में बहुत अटूट स्नेह होता है और उसमें कुछ कम या अधिक अपेक्षाएं और उपेक्षाएं होती हैं, उन संबंधों में बहुत उबाल आता है और बड़ी उग्र प्रतिक्रिया होती है। संबंध जितना अधिक निकट होता है उसकी टूट की चुभन भी उतनी नुकीली होती है। पिछले 10 वर्षों से मैं बच्चन परिवार से न सिर्फ अलग रहा बल्कि यह भी प्रयत्न किया कि उनके दिल में मेरे लिए नफरत हो, लेकिन आज अमिताभ बच्चन जी ने फिर मेरे पिताजी का स्मरण किया तो मुझे ऐसा लगा कि इसी सिंगापुर में 10 साल पहले गुर्दे की बीमारी के लिए मैं और अमित जी लगभग 2 महीने तक साथ रहे और उसके बाद हमारा उनका साथ छूट सा गया। लेकिन 10 वर्ष बीत जाने पर भी उनकी निरंतरता में कोई बाधा नहीं आई और वो लगातार अनेक अवसरों पर, चाहे मेरा जन्म दिवस हो अथवा मेरे पिताजी की स्वर्गवास का दिन हो, हर दिन को स्मरण करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने भी अनावश्यक रूप से ज्यादा उग्रता दिखाई। 60 से ऊपर जीवन की संध्या होती है और एक बार फिर मैं जिंदगी और मौत की चुनौती के बीच से गुजर रहा। मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से मुझे और कोई कारण नहीं था, इस कारण कि हमसे उम्र में वो बड़े हैं, उनके प्रति नरमी रखनी चाहिए थी और जो कटु वचन मैंने बोला उसके लिए खेद भी प्रकट कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में कटुता और नफरत से ज्यादा उनके व्यवहार के प्रति निराशा रही, लेकिन उनके मन में लगता है ना तो निराशा है ना तो कटुता है, बल्कि कोई ना कोई भाव है। इसलिए आज अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देते हुए जो 17 सुमन उन्होंने उनके आदर में व्यक्त किए हैं उसका संप्रेषण करते हुए ईश्वर से ही प्रार्थना है कि सबको ईश्वर उनके कर्मों के अनुसार यथोचित न्याय दे और ये हमें ये सब ईश्वर को छोड़ना चाहिए बजाय इसके कि हम ईश्वर के कामकाज में खुद दखल दें। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपके संदेश का। Like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.